Hi guys, good morning. How are you? Hope you're doing well. So today is the day number 6 of my blog, right? So आज का दिन काफी बिजी रहने वाला है. हर रोज बिजी रहता है, तो आज थोड़ा सा ज्यादा बिजी रहने वाला है क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा है एंड हमें दो तीन जगह से इनवाइट भी मतलब इनविटेशन भी आया हुआ है, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा एंड डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा एंड बस ये सब दिन का स्केड्यूल है आज. तो पता नहीं आज कितना मैं टास्क को कंप्लीट कर पाऊँगा, कितना अपने काम में टाइम दे पाऊँगा, राइट? और इनविटेशन भी है, वो तो जाना ही पड़ेगा. मतलब बैचलर थे अलग बात है, लेकिन अभी तो जाना ही पड़ेगा. ओके, सो गाइस सुबह का शुरुआत आज से जो मैंने रूटीन स्केड्यूल किया था उसके हिसाब से मैं पहले भी ये चीज़ करता था कि गोल रिमाइंड करना, राइट? जैसे कि ऐसे आप एक डायरी ले सकते हैं एंड आपका जो भी गोल है, मतलब करेंटली आप जिस गोल पे फोकस करना चाहते हैं, या फिर ग्रेटिट्यूड भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि कल रात को मैंने किया था वैसे ही आप आज दिन में भी कर सकते हैं. मतलब सुबह और रात को सोने से पहले आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ आप गोल भी राइट कर सकते हैं. जैसे कि क्या होता है ना, जब हम सुबह उठते हैं तो उस टाइम पे माइंड थोड़ा सा मतलब खाली रहता है, मतलब इतना सब कुछ दिमाग में चलता नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ दिमाग में चलता नहीं है, तो इसको बोलते हैं माइंड का अल्फा स्टेट. ओके, एंड ये अल्फा स्टेट में क्या होता है ना, हम कोई भी चीज़ माइंड को देते हैं, मतलब बोलते हैं, तो माइंड उसको जल्दी बिलीव कर जाता है. सो अगर हम उसको अपनी गोल के बारे में बताएं या फिर जो भी चीज़ें हमें अचीव करनी है लाइफ में, तो माइंड को लगता है कि ओके ठीक है, हमें ये सब चीज़ें, मतलब माइंड उसको जल्दी एक्सेप्ट करता है एंड जितना जल्दी आपका माइंड एक्सेप्ट उसको करेगा, उतना ही जल्दी आप उस गोल को अचीव कर पाओगे, राइट? सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जब आप सुबह उठते हैं एंड देन फिर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं. इससे आपके माइंड में पॉजिटिविटी आती है एंड उसके साथ साथ जब आप गोल रिटर्न करते हैं, मतलब राइट करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको आपके माइंड में गोल जो है वो सेट हो जाता है. ओके, तो इसको ये एक दो दिन का प्रोसीडियर नहीं है, इसको आपको तब तक करना है जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता. ओके, सो लेट्स गो गाइज. अगर आपको भी करना है रूटीन स्केड्यूल आज से, तो आज से आप कर सकते हैं. तो मैं अभी से शुरू कर रहा हूँ, सो लेट्स राइट इट. ओके, गाइज अभी हम पहुंच गए हैं, मतलब डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं. अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं मेरी सिस्टर का, वो भी आने वाली है. तो अभी वो टीचर है अभी गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है आने में, मतलब वो जहाँ पे रहती है वहाँ से आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है. तो फिलहाल के लिए मैं नारियल एंजॉय कर रहा हूँ एंड अभी मैं नारियल का सारा पानी पी लिया है. अभी अंदर का जो थोड़े थोड़े जो नारियल होता है ना, तो वो नारियल बहुत अच्छा लगता है पीने में, है ना? तो अभी मैं दूंगा उनको, अब निकाल के देंगे वो नारियल का. सो देखते हैं अभी कितना टाइम और वेट करना पड़ेगा. अभी 10-15 मिनट में पहुंचने वाले हैं, फिर हम जाएंगे डॉक्टर के पास, फिर वहाँ से होने के बाद फिर पूजा में जाएंगे एंड देन फिर आई गेस और एक पूजा में जाना पड़ेगा, मतलब दो तीन पूजा में आज जाना पड़ेगा एंड देन फिर जाके मैं घर पहुँचूँगा.